दुनिया अभी कोरोना महामारी से उभरी ही थी कि इस बीच एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स बताया जा रहा है। कई देशों में इसका कहर जारी है, वहीं भारत में भी मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आ चुका है। मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले की पुष्टि की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स को लेकर एहतियात बरतने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत में जो व्यक्ति मंकी पॉक्स की चपेट में आया है वो विदेश से लौटा है, उसे अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। संक्रमण की पुष्टि उसके नमूने की जांच में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। अब ऐसे में कई लोगों के मन में इस वायरस को लेकर कुछ सवाल उठ रहा होगा, जैसे मंकी पॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इलाज क्या है और इससे बचाव कैसे किया जाएगा। चलिए इन सवालों का जवाब एक्सपर्ट से जान लेते हैं। एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि अभी कई सारे देशों में फैल रही है और वहीं भारत में भी इसका पहला मामला सामने आया है। ऐसे में लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमें ये समझना है कि एमपॉक्स जिन लोगों को हो रहा है उनको एक तो शुरुआती लक्षण पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि तेज बुखार है, बदन दर्द, सर में दर्द या हमारा जो शरीर है उस पर छोटे छोटे जो है दाने हो जाते हैं जिनमें मवाद पड़ जाता है, इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। वहीं छोटी छोटी जो शरीर की ग्रंथियां होती हैं उनमें भी सूजन हो जाती है। कैसे फैलता है ये वायरस? ऐसे व्यक्ति के एक तो उसके अगर आप पास बैठते हैं, 3 से 4 घंटे अगर आप उसके पास बैठ रहे हैं तो उसके नाक और मुंह से जो कण निकलते हैं उनसे कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। वहीं जो ये शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां हो रही हैं उनमें जो मवाद होता है उस मवाद के संपर्क में आने से भी ये संक्रमण फैलता है। और वहीं अगर ये मवाद या शरीर के जो और बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो जिन चीजों पे लग जाते हैं, जैसे चादर है, तकिया है, बर्तन है या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां से भी ये संक्रमण दूसरे व्यक्ति को जा सकता है। वहीं सेक्स करने से, हगिंग से, किसिंग से भी ये संक्रमण दूसरे लोगों में फैल सकता है। एमपॉक्स वायरस की कैसे होगी पहचान? अगर किसी को मंकी पॉक्स इन्फेक्शन हो जाता है तो इन शुरुआती लक्षणों के साथ साथ जिनसे कि इनको पहचाना जाता है वहीं टेस्ट भी किया जा सकता है, जिसे हम पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि ये एमपॉक्स का इन्फेक्शन है या नहीं है और ऐसे व्यक्ति को आइसोलेट करने की जरूरत होती है। मंकी पॉक्स वायरस का ये नया स्ट्रेन दुनिया में तेजी से फैला है, जिसके कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। WHO ने 2 साल में दूसरी बार ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। फिलहाल एमपॉक्स को लेकर बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।